بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آتيتم به فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. أم تقولون إن قل أتحاجون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. سورہ فاتحہ کی ابتدا میں اللہ رب العزت سے ہم نے دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجئے. اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں تین طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا، ایک وہ جو ہدایت یافتہ ہیں سیدھے راستے کے اوپر ہیں ایمان والے، اور ان کے مقابلے میں دو طرح کے لوگ وہ ہیں جو گمراہ ہیں، ان کا ذکر فرمایا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان کی دعوت دی تین بنیادوں کے اوپر، ایک توحید، دوسری چیز رسالت اور تیسری چیز آخرت. اس دعوت کے دینے کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو خاص طور پر خطاب فرمایا، اور تقریباً آدھا پارے سے زیادہ حصہ اللہ رب العزت نے ان کو خطاب کر کے پہلے اپنی نعمتیں یاد دلائیں، اور نعمتوں کے بعد ان کو وہ باتیں یاد دلائیں کہ جو نافرمانیاں، جو سرکشیاں وہ ان کے مقابلے میں کر رہے تھے. ان تمام امور سے فراغت کے بعد اللہ رب العزت نے ایک مثال بیان فرمائی سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی، کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے اوپر یہود، عیسائی اور مشرکین مکہ تمام کے تمام متفق ہیں. سب کے سب یہ کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے آبا و اجداد میں سے تھے اور ہم انہی کے دین کے اوپر ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کی مثال کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد ان یہود اور نصارہ کی طرف سے ایک بات کہی جاتی تھی، اس کا جواب دیا. یہ کہا کرتے تھے کونو ہودن او نصارہ تہتدو، کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے.
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया कि नहीं, न नसरानी हो न ईसाई हो न यहूदी हो, बल्कि होना है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत में से हो, मिल्लत इब्राहिमी को के ऊपर अमल करने वालों में से बनो। जब तुम मिल्लत इब्राहिमी पर अमल करने वाले होगे तो तुम चाहे यहूदी हो चाहे ईसाई हो जो कोई भी हो, तुम्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस दुआ के ऊपर लब्बैक कहते हुए आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना पड़ेगा। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन से कहा कि जब कभी ये तुम्हें कहें कि कूनु हूदन औ नसारा, यहूदी हो जाओ या नसरानी हो जाओ, तो तुमने उसके मुकाबले में क्या जवाब देना है, वो जवाब आज के इस वहीं से आज का रुकू शुरू होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, कूलू ए सहाबा, जब कभी भी तुम्हें ये एतराज़ किया करें तो तुम इसके जवाब में कहा करो, आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान लाए, वमा उन्ज़िला इलैना, और जो कोई किताब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर नाजिल की हम उस किताब पर भी ईमान लाते हैं, यानी कुरान करीम पर, वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब, और हर उस किताब पर ईमान लाते हैं कि जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, इस्माईल अलैहिस्सलाम पर, इसहाक अलैहिस्सलाम पे, याकूब अलैहिस्सलाम पर उतरी, वल असबात, और उनकी औलादों के ऊपर। इससे पहले भी बात गुजर चुकी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दो बेटे अता फरमाए थे जो पैगम्बरों में से थे, कुल पाँच औलाद थी, पाँच बेटे थे, उनमें से दो पैगम्बर थे, एक सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम और दूसरे सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम थे, और याकूब अलैहिस्सलाम की जो बारह बेटे थे ये बनी इसराइल, इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का नाम था, तो उनकी औलाद में जो आगे बारह बेटे थे ये सारे के सारे बनी इसराइल कहलाया करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ए पैगम्बर ए सहाबा, तुम ये कहा करो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, हम ईमान लाए उन किताबों के ऊपर जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, वल असबात, और याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद के अंदर नाजिल की गई, यानी सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके बाद आने वाले तमाम पैगम्बर, हम उन तमाम किताबों के ऊपर ईमान लाते हैं। वमा उतिया मूसा व ईसा, और जो किताब दी गई थी मूसा अलैहिस्सलाम को और ईसा अलैहिस्सलाम को, वमा उतियन नबियून मिन रब्बिहिम, इनके अलावा दीगर नबियों को भी जो किताबें दी गई थीं, आमन्ना बिल्ला, हम उन तमाम की तमाम किताबों के ऊपर ईमान लाते हैं, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, हम उनमें से किसी किताब के अंदर किसी पैगम्बर के दरमियान तफरीक नहीं करते कि बाज़ नबियों पर ईमान लाएंगे बाज़ पर ईमान नहीं लाएंगे। ये काम यहूदी किया करते थे, वो कहा करते थे नुमिनु बिबाज़िन व नकफुरु बिबाज़, हम बाज़ पैगम्बरों पर बाज़ नबियों पर तो ईमान लाते हैं और बाज़ से तक्की तकफीर करते हैं, बाज़ का इनकार करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा की ज़बान ये जवाब दिया कि अगर तुम ईमान लाना चाहते हो तो उसी तरीके से ईमान लाओ। ईमान लाने का तरीका ये है कि जो कोई पैगम्बर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल किया, वो जिस किताब का पैगम्बर था, जो किताब और जो शरीयत लेके वो आया, तुम उन तमाम की तमाम शरीयत पर हम ईमान लाते हैं, लिहाजा तुम भी उसी तरीके से ईमान लाओ। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, उनमें से किसी पैगम्बर के दरमियान हम कोई फ़र्क नहीं करते, तमाम पर ईमान लाते हैं, अगरचे दर्जे के एतबार से बाज़ पैगम्बर बाज़ के ऊपर फजीलत रखते हैं। खुद कुरान करीम में तिलकर रुसुल फज़लना बाज़हुम अला बाज़, हमने बाज़ रसूलों को बाज़ रसूलों के ऊपर फजीलत अता फरमाई। दूसरी जगह पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वलकद फज़लना बाज़न नबियीन अला बाज़, बाज़ नबियों को हमने बाज़ नबियों के ऊपर दर हकीकत तहकीक फजीलत अता फरमाई है। तो ये फजीलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की जानिब से है। इससे पहले भी ये बात गुजर चुकी है कि तमाम दुनिया के अंदर पैदा होने वाले इंसानों में सबसे ज़्यादा फाइस फजीलत और सबसे ज़्यादा उरुल आज़म अम्बिया अलैहिस्सलाम की ज़ात हैं, और अम्बिया में सबसे ज़्यादा फजीलत नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका को है। नबी अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ज़्यादा उरुल आज़म पैगम्बर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है,
और तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा उलुल आज़म पैगंबर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम हैं और उनके बाद दीगर पैगंबर हैं। तो ये दर्जा बंदी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से है कि किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीगर के ऊपर फजीलत अता फरमाई है। मगर फजीलत अता फरमाना एक और चीज़ है और ईमान लाना तमाम अंबिया पर ये एक और चीज़ है। हम बहैसियत मुसलमान तमाम अंबिया के ऊपर ईमान लाते हैं, उन पर उतरने वाली तमाम किताबों पर, सहीफ़ों पर, हर चीज़ पर ईमान लाते हैं कि सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की जानिब से हैं। वनहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी परवरदिगार के फरमाबरदार होते हैं। जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाबरदार थे, जैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया असलम, उन्होंने जवाब दिया असलम तो लिरब्बिल आलमीन, मैं अपने परवरदिगार के सामने अपना सर खम तस्लीम करता हूँ, सर खम तस्लीम करता हूँ, अपना सर उसी परवरदिगार के सामने झुकाता हूँ। जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने फरमाबरदारी का मुजाहरा किया था, हम भी उसी तरीके से अपना सर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर हुक्म के सामने झुकाते हैं। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको दावत दी कि देखो, तुम ये बात कहते हो कि यहूदी हो जाओ तो हिदायत याफ्ता हो जाओगे, नसरानी हो जाओ तो हिदायत याफ्ता हो जाओगे, ये बातें दुरुस्त नहीं है। अगर तुम वाकई चाहते हो कि हिदायत याफ्ता लोग कौन हुआ करते हैं, हिदायत याफ्ता लोगों में अपना शुमार करना चाहते हो, तो हमने उसके लिए एक पैरामीटर बना दिया, एक थर्मामीटर तुम्हें दे दिया है, इसके जरिए से अपने ईमान को चेक करते रहो, चेक करते रहो कि क्या तुम वाकई हिदायत याफ्ता हो कि नहीं हो। ये थर्मामीटर है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर दे दिया, एक चीज़ दे दी कि इसके ज़रिए से तुम अपना एक मेयार है जिसके ज़रिए से तुम अपने ईमान को चेक कर सकते हो। वो मेयार क्या है? फरमाया फ़इन आमनू, पस अगर ये लोग यहूद व नसारा मुशरिकीन मक्का ये लोग ईमान लाते हैं, बिमिस्ली मा आमन तुम भी, जिस तरीके से ऐ सहाबा तुम ईमान लेके आए हो, फ़क़द इहतदौ, उस सूरत में ये तमाम लोग, ये मुशरिकीन हो चाहे वो यहूदी हो चाहे नसरानी हो, तहकीक के ये लोग हिदायत याफ्ता लोगों में से होंगे। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के ईमान को मेयार बना दिया, थर्मामीटर बना दिया। जो कोई शख्स हिदायत की कसौटी पर अपने आप को परखना चाहे, जो कोई शख्स ये बात देखना चाहे कि मैं हिदायत याफ्ता हूँ कि नहीं हूँ, मेयार ये लोग हैं। सहाबा के ईमान पर अपने ईमान को चेक कर लो। यहां पर किसी सहाबी की तफरीक नहीं की कि फला सहाबी के ईमान पे देख लो, बिमिस्लिमा आमन तुम भी, जिस तरीके से तुम लोग ईमान लेके आए हो। कुरान करीम के सबसे अव्वलीन मुखातब सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन सहाबा की जमात को पूरी की पूरी उम्मत में से चुना था, ये आम लोग नहीं थे, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के चुनीदा बंदे थे। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलाम को चुना, इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम के साथियों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुना, ये आम लोग नहीं थे। इनके बारे में ईमान को उस दर्जे में रखना चाहिए कि किसी किस्म का शक व शुबा इंसान के दिल में पैदा ना हो। चुनाचे इस उम्मत के उलमा ने सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन के मुतालिक बड़ी ज़बरदस्त बातें कही हैं। चंद अकवाल सुन लीजिए। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने मिरकात के अंदर, ये किताब है मिशकात शरीफ की शरह है, इसके अंदर फरमाया क़ुरान करीम और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोतमद लोगों के इजमा से, यानी सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन के बारे में क़ुरान करीम से, नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारक से और इजमाए उम्मत से, ज़ाहिरी अल्फाज और इबारतें इस बात पर दलालत करती हैं कि हज़रात सहाबा तमाम के तमाम आदिल और सिका हैं। आदिल कहते हैं कि वो लोग कि जिनके ऊपर किसी किस्म की तान जनीनी की जा सकती है, और सिका उस आदमी को कहते हैं कि जो इतनी ज़्यादा ठोस हैसियत रखता हो कि जिसकी किसी बात को रद्द करने का कोई मौका ना हो। तो ये तमाम के तमाम सहाबा आदिल भी हैं और सिका भी हैं। असदुल गाबा में इमाम इब्न असीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सहाबा तमाम के तमाम आदिल और सिका हैं, इन पर किसी किस्म की जरह का करना मुमकिन नहीं है, इनके बारे में टटोलना। जब कभी भी हदीस की सनद पेश की जाती है तो हदीस की सनद में रावी होते हैं,
कि ये फला रावी ने फला से रिवायत किया, फला रावी ने फला रावी से रिवायत किया। तो जब कभी भी रिवायत की जाती है तो रिवायत में एक एक शख्स के हालात को खोला जाता है, तहकीक की जाती है इसके बारे में, कहने वाला कौन है, इसके हालात क्या हैं, कहीं जिंदगी में झूठ तो नहीं बोलता था, कहीं किसी किस्म की कोई इसके ऊपर ताना जनी तो मौजूद नहीं है, किसी गुनाह में मुलव्वस तो नहीं था। इसको कहते हैं जरह का करना। तो वो ये बात फरमाते हैं कि तमाम सहाबा जरह से पाक हैं, लिहाजा हमारी अहादीस मुबारक की जो किताब है उनका उसूल है कि जिस किसी रावी का नाम आए फौरन उस पर जरा की जाए, देखा जाए कि ये जो रावी है रिवायत कर रहा है ये कौन आदमी था, इसका कहां से ताल्लुक था, किस किस्म के हालात थे इसके, कहीं किसी गुनाह में मुलव्वस तो नहीं था, कहीं झूठ तो नहीं बोलता था, इस तरह के हालात को परखा जाता है। मगर जहां कहीं किसी सहाबी का नाम आ जाए तो वहां पर जरा के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये सहाबी है, ये वो शख्सियत है कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चुन लिया। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अहले सुन्नत वल जमात का इस बारे में इत्तेफाक है कि हजरत सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन का इजमा हुज्जत है, यानी सहाबा किसी बात में मुत्तफिक हो जाए तो अब उस बारे में किसी शख्स का इनकार करना, उस बात से अपने आप को दूर हटाना किसी के लिए मुमकिन नहीं है, वो हुज्जत है। उसी तरीके से उससे इस्तदलाल होगा जिस तरीके से कुरान करीम और अहादीस मुबारक से इस्तदलाल किया जाता है। तो सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन ये ईमान के मेयार हैं, ईमान की कसौटी हैं। और ये याद रखिएगा कि सहाबा की अजमत जो है ये कोई जज्बाती मसला नहीं है, ये कोई आम मसला नहीं है कि जिसको कह दिया जाए कि दो चार अफराद जज्बाती हो गए थे तो उन्होंने इस मसले को छेड़ दिया, ये जज्बाती मसला नहीं है, ये हमारे ईमान की बुनियाद है। ये ऐसी बुनियाद है कि अगर इस बुनियाद को हिला दिया जाए, इस बुनियाद को तोड़ दिया जाए, इस बुनियाद के अंदर शकों को शुबहात पैदा कर दिए जाएं तो पूरी के पूरे दीन के अंदर शकों को शुबहात पैदा हो जाते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल यूं समझ लें कि हम और आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब है, यह अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नाजिल हुई है। सवाल यह है कि यह कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब है, यह बात हमें और आपको किसने बताई है? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। और नबी अलैहिस्सलाम से इस बात को लेकर हम तक पहुंचाने वाले कौन थे? सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम। अगर सहाबा की जात के अंदर कोई शक व शुबा आ जाए तो गोया ये शक व शुबा सिर्फ सहाबा में नहीं है, ये शक व शुबा इस कुरान करीम के अंदर पैदा किया जा रहा है, ये शक व शुबा अहादीस मुबारक के खजानों के अंदर पैदा किया जा रहा है, ये पूरे के पूरे ईमान की जो बुनियाद है उस पूरे ढांचे को हिला देने वाली बात है। लिहाजा सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन के बारे में अपने दिलों को साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज कुफर ने एक बाकायदा इस बात की मेहनत कर ली है, मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ शकों को शुबहात हमारे जहनों में डाले जाते हैं और आखिर में एतराज ये किया जाता है, बात यूं छेड़ी जाती है जी वो भी तो इंसान से, उनसे भी तो गलती हो सकती है। भाई अगर वाकई ये बात है कि उनसे गलती हो सकती है, अगर उनसे गलती हो गई हो और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माफ कर दी हो तो हम और आप कौन होते हैं इस बारे में कहने वाले हैं? और हकीकत यह है कि यह गलती हुई नहीं है, ये गलतियां कराई गई हैं। जहां कहीं सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन के बारे में नजर आता है कि फला सहाबी से जिना हो गया, उनको संसार किया गया, फला सहाबी से चोरी हुई, उनका हाथ काटा गया, ये क्यों हुआ? ये हमें और आपको समझाने के लिए था। याद रखें उम्मत के अंदर दो तरह के मसाइल थे, एक मसाइल वो थे जो नबूवत की शान के मुनाफी नहीं थे, नबूवत की शान के खिलाफ नहीं थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो तमाम के तमाम मामलात नबी अलैहिस्सलाम की जात से कराए। मिसाल के तौर पे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन काफिले के साथ जा रहे थे, फजर की नमाज से थोड़ी देर पहले आराम करने के लिए लेटे, पूरा का पूरा जो मजमा था तमाम के तमाम काफिला जो था वो सारे के सारे अफराद सो गए हत्ता के फजर की नमाज निकल गई। नबी अलैहिस्सलाम की जब आंख खुली तो सूरज तुलू हो चुका था। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन कजा नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद फरमाया मैं सोया नहीं था बल्कि हमें सुला दिया गया था ताकि मैं उम्मत को ये बात समझा सकूं कि कजा नमाज का तरीका क्या होता है। तो बाज मामलात वो थे कि जो मामलात नबूवत की शान के खिलाफ नहीं थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मामलात वो मसाइल नबी अलैहिस्सलाम की जात से करवाए, और बाज मामलात वो थे जो नबूवत की शान के खिलाफ थे, चोरी का हो जाना,
जिना का हो जाना, ये नबूवत की शान के खिलाफ थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन मसाइल को भी उम्मत के ऊपर खोलना था, उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन की जमात को चुना है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का चुनाव है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ठप्पा लगाया रजी अल्लाह अन्हुम व रजुआन, अल्लाह इनसे राजी हुआ, ये अल्लाह से राजी हुए। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रजा का सर्टिफिकेट दे देते हैं तो उसके बाद किसी शख्स को इनके ऊपर अपनी जबान निकालने की गुंजाइश नहीं है। याद रखें, जो कोई शख्स भी इनके ऊपर जबान निकालेगा वो ऐसा ही है जैसे चांद पर थूकने की कोशिश कर रहा है, और जो कोई चांद पर थूकने की कोशिश करता है वो थूक उसी के ऊपर आके गिरता है। हदीस मुबारक में नबी सलाम ने सहाबा रजी अल्लाह तआला अजमईन की अजमत के बारे में बड़ी बातें इरशाद फरमाई। चुनाचे नबी सलाम ने फरमाया इदा रअयतुमुल लदीना यसुब्बूना अस्हाबी, जब कभी तुम देखो कि कोई शख्स मेरे सहाबा में से किसी को गाली दे रहा है, फकूलू लानतल्लाहि अला शर्रिकुम, उसके मुंह पे उसको कहो कि अल्लाह की लानत हो तुम्हारे शर के ऊपर, तुम्हारी इस बुराई के ऊपर जो तुम कर रहे हो। एक और हदीस मुबारक में फरमाया ला तसुब्बू अस्हाबी, मेरे सहाबा को गाली ना देना, मन सब्बा अस्हाबी, जिस किसी लानल्लाहु मन सब्बा अस्हाबी, जिस किसी शख्स ने मेरे सहाबा को गाली दी तहकीक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके ऊपर लानत फरमाई। और एक और हदीस मुबारक में फरमाया सुनन तिर्मिजी की रिवायत है, फरमाया अल्लाह अल्लाह हफी अस्हाबी, अल्लाह अल्लाह हफी अस्हाबी, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो। चार बार ये अल्फाज फरमाए। आगे फरमाया ला तत्तखिज़ूहुम गरज़म मिन बादी, मेरे बाद इन सहाबा को तान व तशरीह का निशाना ना बनाना, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जो कोई शख्स मेरे सहाबा से मोहब्बत करता है तहकीक के वो मुझसे मोहब्बत करता है, वमन अबगज़हुम, जो कोई शख्स मेरे सहाबा से बुग्ज़ रखता है फबी बुग्ज़ी अबगज़हुम, तहकीक के वो मुझसे बुग्ज़ रखता है जिस बुग्ज़ की वजह से सहाबा से बुग्ज़ रखता है। आज अगर कोई शख्स सहाबा को बुरा भला कह रहा है तो वाकई बात यह है कि उसके दिल में नबी अलैहिस्सलाम का बुग्ज़ भरा हुआ है। उस बुग्ज को वो अदा नहीं कर सकता, उसने उसका तरीका ढूंढा कि नबी के सहाबा को गालियां देना शुरू कर दो, नबी के सहाबा पे कुफर के फतवे लगाना शुरू कर दो, नबी के सहाबा को बुरा भला कहना शुरू कर दो। आगे फरमाया वमन अबगज़हुम फबिबुग़्ज़ी अबगज़हुम, वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, जिस किसी शख्स ने मेरे सहाबा को किसी किस्म की तकलीफ पहुंचाई तहकीक उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, जिस किसी शख्स ने मुझे तकलीफ पहुंचाई तहकीक उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत को तकलीफ पहुंचाई, वमन आज़ल्लाह यूशिकु अन याखुज़हु, जिस किसी शख्स ने अल्लाह रब्बुल इज्जत को तकलीफ पहुंचाई अन करीब अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको पकड़ लेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये पकड़ है, याद रखिएगा सहाबा को बुरा कहने वाला, सहाबा पे तान व तशरीह करने वाला, आखिरत के अंदर तो उसकी पकड़ होनी ही सही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दुनिया में ऐसे अफराद को दिखा दिया करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाँ सहाबा रजी अल्लाह तआला अजमईन के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके बारे में अगर यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को ये बर्दाश्त नहीं है कि सहाबा के बारे में कोई बात करे। ये अल्लाह का चुनाव है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन अफराद को नबी अलैहिस्सलाम के लिए चुन लिया। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन सहाबा के ईमान को यहां पर मेयार बना के फरमाया कि फइन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बी, अगर तुम ईमान लाओ, अगर ये लोग ईमान लाए उस तरीके से जैसे सहाबा तुम लोग ईमान लाए हो, फ़क़द इहतदौ, तो उस सूरत में ये तहकीक हिदायत याफ्ता होंगे, व इन तवल्लौ, और जिस तरीके से तुम ईमान लेके आए हो उससे ये लोग हटेंगे, फ़इन्नमा हुम फी शिकाक, तो उस सूरत में तो ये लोग घाटियों के अंदर होंगे, ये नुकसान उठाने वालों में से होंगे। ये लोग हिदायत याफ्ता नहीं कहलाएंगे बल्कि नुकसान उठाने वालों में से होंगे। लिहाजा जब कभी भी ईमान की कोई बात होगी तो उसका मेयार सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन की जात हुआ करेगी, सहाबा का मेयार होगा, सहाबा के अकवाल की रोशनी में होगा। नबी अलैहिस्सलाम एक मरतबा वाज फरमा रहे थे, वाज़म बलीगा, बड़ा पुर असर वाज था।
इतना पूरा सरवास था कि बाज सहाबा की आंखों से आंसू निकल गए, बाज खूब जोर जोर से रोने लगे। वाज खत्म हुआ तो एक सहाबी ने खड़े होकर अर्ज किया, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इस तरीके से एक वाज फरमाया है, इस तरीके से नसीहत फरमाई है जैसे जाने वाला कोई आखिरी वसीयतें कर रहा होता है, तो लिहाजा आप हमें कोई खास कोई ऐसी बात बता दीजिए जिस बात को हम मजबूती के साथ पकड़ लें, एक कोई नसीहत ऐसी कर लीजिए जिस नसीहत को हम खूब अच्छी तरह मजबूती से पकड़ लें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फअलैकुम बिसुन्नती वसुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, अगर तुम कोई वाकई नसीहत और वसीयत सुनना चाहते हो तो सुन लो, तुम पर लाजिम है कि तुम मेरी सुन्नतों को भी पकड़ो और मेरे बाद चार खुलफाए राशिदीन, चार हिदायत याफ्ता खुलफा जो आएंगे उनकी सुन्नतों को भी पकड़ो, तमस्सकू बिहा, उनको मजबूती से पकड़ो, वअज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज, इतनी मजबूती से पकड़ो कि इसको अपने दांतों के साथ मजबूती से थाम लो। ये एक मुहावरा है, कहने का मकसद यह है कि इनसे अपना दामन नहीं छुड़ाना। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन की सुन्नत जो है वो मेरी ही सुन्नत है कि जिसके ऊपर वो अमल कर रहे होंगे, उन्होंने दीन मुझसे सीखा है, मेरे अलावा किसी और से नहीं सीखा। लिहाजा जहां कहीं भी कोई बात आएगी तो उसको सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के ईमान के मुताल्लिक, उनके अकवाल के मुताबिक अमल करना होगा। जो कोई भी राय आएगी उस राय को सहाबा के अकवाल की रोशनी में पहचाना जाएगा। यही वजह है कि हम अपने आप को कहते हैं हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। अहले सुन्नत वल जमात का क्या माना है? अहले सुन्नत से मुराद नबी रसूलुल्लाह की सुन्नतों को थामने वाले, वल जमात सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की जमात की इत्तेबा करने वाले, जिस बात पर सहाबा ने जिस कुरान करीम की आयत का, जिस अहादीस मुबारक का, जिस मसले का जो माना बयान कर दिया, हम उसी मसले का वही माना समझते हैं, अपनी तरफ से अपनी राय उस बारे में नहीं रहते। क्यों? अगर अपनी राय लेंगे व इन तवल्लव, उस रास्ते से हट जाएंगे जिस रास्ते से सहाबा थे, फइन्नमा हुम फी शिकाक, उस सूरत में हम घाटियों के अंदर नुकसान उठाने वाले होंगे। और उसका नतीजा क्या होगा? जो कोई शख्स सहाबा के रास्ते से हटता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं फसयकफीकहुमुल्लाह, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह काफी होगा, अल्लाह उनसे निमट लेगा। वहुवस समीउल अलीम, वो खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे फरमाते हैं सिबगतल्लाह, ये जो सहाबा जिस रास्ते पे हैं ये अल्लाह का रंग है, अल्लाह ने इन पर अपना रंग चढ़ा दिया है। लिहाजा जो कोई शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ आना चाहता है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को पहचानना चाहता है, जो कोई शख्स हिदायत याफ्ता होना चाहता है, उसको चाहिए कि इस रंग के अंदर रंग जाए। इश्क का ये वो रंग है जिस रंग के अंदर सहाबा रंग गए थे, बाद में आने वालों को भी चाहिए कि उसी रंग के अंदर रंगे। सिबगतल्लाह, ये असल में यहूदी और ईसाई थे, ये इन लोगों के यहां यह अकीदा था कि जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उस बच्चे को मुख्तलिफ रंगों के पानी के अंदर नहला दिया करते थे और कहा करते थे कि हमने यहूदियत का रंग इसके ऊपर चढ़ा दिया है, हमने ईसाईयत का रंग चढ़ा दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अगर रंग चढ़ाना है तो वो रंग चढ़ाओ जो हमने सहाबा पे चढ़ाया। सिबगतल्लाह, अल्लाह का रंग है। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो रंग चढ़ाया है उससे बेहतरीन रंग कौन सा हो सकता है? वनहनु लहू आबिदून, और हम उसी परवरदिगार की इबादत करने वाले हैं, हम उसी परवरदिगार को अपना माबूद मानते हैं, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करते। लिहाजा अगर तुम ये चाहते हो कि तुम हिदायत याफ्ता हो जाओ तो उसी रंग को अपनाओ कि जो रंग सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने चढ़ाया था। रंग चढ़ाने के लिए रंगरेज के पास जाना पड़ता है। सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के लिए नबी रसूलुल्लाह की जात रंगरेज थी, नबी रसूलुल्लाह ने उन पर रंग चढ़ा दिया था अल्लाह रब्बुल इज्जत के इश्क का। लिहाजा ताबईन पर सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने रंग चढ़ाया था, तबे ताबईन पर ताबईन ने रंग चढ़ाया था, यह सिलसिला आज तक चलता हुआ आ रहा है। लिहाजा आज भी जो शख्स चाहता है कि मेरे ऊपर अल्लाह का रंग चढ़े, उसको चाहिए कि उन रंगरेजों की दुकानों पे जाए कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का रंग दूसरों के ऊपर चढ़ाया करते हैं। काश के अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपके ऊपर भी अपना रंग चढ़ा दे, वो रंग जो सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन पे चढ़ा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका कुछ हिस्सा हमें भी नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाह, कुल ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दीजिए अतुहाज्जूनना फिल्लाह, क्या तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में आपस में झगड़ा करते हो?
यहूदी कहा करते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बेटे हैं उज़ैर अलैहिस्सलाम। ईसाई कहा करते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तीन है, खुदा तीन है। मुशरिकीन मक्का कहा करते थे 360 बुत हैं, ये सारे के सारे खुदा हैं, ये सारे के सारे अल्लाह के नायब हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अतुहाज्जूना फिल्ला, क्या तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में आपस में झगड़ा करते हो। वहुवा रब्बुना व रब्बुकुम, हालांकि हाल ये है कि वो तुम्हारा हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। हमें भी रिज़्क देने वाला, हमें भी पालने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात है और तुम्हें भी पालने वाली अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात है। और ये तमाम के तमाम लोग माना करते थे। وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, अगर इनसे ये पूछा जाए कि तुम बताओ कि तुम्हें किसने पैदा किया, ये कहा करते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया। इनसे पूछा जाता था बारिश कौन बरसाता है, कहा करते थे अल्लाह रब्बुल इज्जत बरसाते हैं। इनसे पूछा जाता था जमीन से खेती कौन उगाता है, ये कहते थे अल्लाह रब्बुल इज्जत उगाते हैं। तो जब तुम बारा पालने वाला, तुम्हारे हर चीज की जरूरियात का पूरा करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है, उसके बावजूद तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में आपस में झगड़ा करते हो। याद रखो वलना आमालुना वलकुम आमालुकुम, हमने जो बात तुम्हें बतानी थी वो बता दी, हमारे लिए हमारे आमाल हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल हैं। वनहनु लहू मुखलिसून, और हम खालिस अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की इबादत करते हैं, उसकी इबादत में किसी को शरीक नहीं करते। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर इनके एतराज को उठाया, अम तकुलून, क्या तुम लोग ये बात कहते हो इन इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व याकूब व अलअसबात, के बेशक इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और इनकी आल औलाद कानू हूदन औ नसारा, ये यहूदी या नसरानी थे। कुल, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको जवाब दे दीजिए इस एतराज का, अअंतुम अअलमु अमिल्ला, तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह रब्बुल इज्जत ज्यादा जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो जानते हैं, अल्लाह ताला ने वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, याकूब अलैहिस्सलाम की वसीयत को पीछे जिक्र कर दिया कि उन्होंने आखिरी वक्त में भी अपनी औलाद को ईमान पर अल्लाह रब्बुल इज्जत को एक अकेला माबूद मानने के ऊपर ही वसीयत की थी अपनी औलाद को। वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह, उस शख्स से बड़ा जालिम कौन हो सकता है, मिम्मन कतम शहादतन, जो कोई शख्स गवाही को छुपाए, इंदहु मिनल्लाह, जो अल्लाह की जानिब से जो गवाही उसके पास मौजूद है। यानी चूंकि तुम्हारे आबाओ अजदाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की दीन के ऊपर थे और उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, याकूब अलैहिस्सलाम की वसीयत को तुम्हें भी सुनाया था, तुम्हारी किताबों में भी वो बात लिखी है, अब तुम उस शहादत को, उस गवाही को छुपा रहे हो, तो तुमसे बड़ा दुनिया के अंदर जालिम कौन हो सकता है। याद रखो वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, जो काम तुम कर रहे हो दुनिया के अंदर, अल्लाह उससे गाफिल नहीं है, अल्लाह हर चीज को देख रहा है। तिलका उम्मतुन, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये उनकी आल औलाद, याकूब अलैहिस्सलाम उनकी आल औलाद, ये एक ऐसी उम्मत थी, कद खलत, जो गुजर चुकी है, उन्होंने जो नेकियां करनी थी दुनिया के अंदर वो करके गुजर चुके हैं। लहा मा कसबत, उनके लिए उन तमाम अजर व सवाब है जो वो दुनिया के अंदर कमा के चले गए उसकी बदौलत। वलकुम मा कसबतुम, जो तुम दुनिया के अंदर कमाओगे उसके ऊपर तुम्हें अजर व सवाब या उसके मुताबिक गुना क़यामत के दिन मिलेगा। तुम्हारे लिए उनकी वजह से तुम्हारे ऊपर कोई वो नहीं होगा। ये नहीं कह सकते कि हमारे आबाओ अजदाद बड़े नेकोकार थे लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी बख्श देंगे, नहीं, जो उन्होंने अमल किए उनके आमाल उनके लिए थे, तुम्हारे आमाल पर सवाब या सजा तुम्हें मिलेगी। वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून, जो काम वो दुनिया के अंदर करके गुजर गए, ला तुसअलून, तुमसे उस बारे में क़यामत के दिन सवाल नहीं किया जाएगा, बल्कि तुमसे क़यामत के दिन जो सवाल किया जाएगा वो तुम्हारे बारे में किया जाएगा कि तुम दुनिया के अंदर क्या करके आए। लिहाजा अपनी मौत से पहले मौत की तैयारी करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत पे ईमान भी लाओ, नबी अलैहिस्सलाम पर भी ईमान लाओ, आखिरत के दिन पर भी ईमान लाओ, और इस ईमान लाने के बाद ईमान के तकाजों को पूरा करते हुए जिंदगी गुजारो, और मौत से पहले मौत की तैयारी करो ताकि कल क़यामत के दिन जब तुम आओ तो तुम अपना नाम आमाल इस काबिल रखो कि हमारे सामने पेश किया जा सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल व करम से आज इस आयत के ऊपर पहला पारा मुकम्मल हो चुका है। दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे भी इसको आसान फरमाए और कबूल फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत पाए तकमील तक पहुँचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
سبحان ربي جلال الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. جناب عمیر صاحب نے دعا کی درخواست کی، اللہ رب العزت ان کے اور دیگر تمام لوگوں کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے. یہ دعا کی درخواست کی گئی ہے، اس وقت پر تبلیغی اجتماع چل رہا ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے، اللہ رب العزت ہر طرح کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کو پوری عالم کے اندر ہدایت کا ذریعہ بنائے. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.